शहर के अमर सिनेमा रोड स्थित मां बंगलामुखी पीतांबरी सिद्ध पीठ मंदिर के महंत अजीत कुमार का आज सुबह करीब 5 बजे निधन हो गया। वे 3 महीने से बीमार चल रहे थे। उन्हें पिछले वर्ष दिसंबर में ब्रेन हैमरेज हुआ था। पटना के पारस हॉस्पिटल में उनका इलाज हुआ। वे 1 महीने बाद स्वस्थ होकर घर लौटे, लेकिन इसके बाद भी उन्हें परेशानी हो रही थी। दोबारा इलाज कराने पटना के रूबन हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे। उनके ब्रेन में ब्लड का क्लॉट कर रहा था। इलाज के बाद डॉक्टरों ने कहा कि अब उन्हें बचाना मुश्किल है, आप लोग घर ले जाइए। शनिवार शाम को उन्हें लेकर घर आ गए। आज सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली। अपने पीछे वे भरा पूरा परिवार छोड़ गए। अपने पीछे वे पत्नी विभा देवी, पुत्र करण प्रताप, देवराज प्रताप और एक बेटी को छोड़ गए। महंत जी के निधन की खबर सुनते ही भक्तों, महंत समाज, पंडित, नेता, मंत्रियों में शोक की लहर फैल गई। महंत जी के अंतिम दर्शन को हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। मां बंगलामुखी मंदिर से ही उनकी शव यात्रा निकाली गई। बाबा गरीबनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी पंडित विनय पाठक, सांसद अजय निषाद, पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा, पूर्व विधायक बेबी कुमारी, महंत अभिषेक पाठक, बीजेपी के प्रभात कुमार, जेडीयू के कुंदन कुमार ने शोक जताया। आज बड़े ही दुखद दिन है। बगलामुखी मंदिर के महंत श्री अजीत कुमार जी का असमय देहांत हो गया है और एक अपूर्णीय क्षति है हमारे समाज के लिए, महंत समाज के लिए। ये जब से ये महंत हुए हैं, पहले इनके पिताजी लोग का परिवार था, उसका नहीं चला रहा है, लेकिन जब से ये हुए हैं इस मंदिर का विकास उत्तरोत्तर होता चला गया है और इस विकास में इनका लहू जो है आहुति बनकर भगवती के चरणों में गिरा है और ये मंदिर इतना भव्य हुआ। माता जागृत हुई है। पहले इस मंदिर खंडहर टाइप से था, कोई आता जाता नहीं था, लेकिन जब से ये उन्होंने अपना पद संभाला है तब से इस मंदिर का उत्तरोत्तर विकास हुआ है। लेकिन आज अब माता की क्या कृपा है वो जाने, सब उनके ऊपर निर्भर करता है। क्या बीमार चल रहे थे क्या? इनको ब्रेन हेमरेज हो गया था और पारस में भर्ती भी थे, 1 महीना ठीक होकर चले आए थे, लेकिन थोड़ी सी क्लॉटिंग रह गई तो बाद में जो ऑपरेशन करके निकाल देंगे, लेकिन इसी बीच फिर तबीयत खराब हो गया और ये काल के गाल में चले गए। आज हमारे गुरु जी हैं, उनका निधन हो गया, बड़ा शोक की बात है और हमारे लिए नहीं पूरे शहर के लिए बहुत ही दुख की बात है, क्योंकि इतना जानकार और इतना सभ्य आदमी का निधन हो गया। माँ बंगलामुखी, भगवान अपने शरण में इनको जगह दे, यही हम लोगों का कामना है। और पूरे शहर में आज शोक की लहर है, ये देखने को मिल रहा है और यहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग जुटे हैं, बड़े बड़े नेतागण लोग और गण्यमान्य व्यक्ति लोग जुटे हुए हैं, सारे जितने भी मंदिर के महंत लोग हैं, मठाधीश है, सबको यहाँ आए हुए हैं उनका लाश दर्शन करने के लिए। और एक अद्भुत, अपने शहर में एक अद्भुत चीज़ थे ये, इतना जानकारी इनको था और हम लोग के तो गुरु हैं और गुरु रहेंगे ही।